subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रियल रिंग सेरेमनी हेयर स्टाइल। काफ़ी अच्छा हेयर स्टाइल है, बहुत ही सिंपल हेयर स्टाइल है, बट आजकल काफ़ी इन है। अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा छोटे हैं और उन्हें हेयर एक्सटेंशन वगैरह कुछ भी यूज़ अपने बालों में नहीं कराना, तो उन्हें किस तरीके से अपने बालों में हेयर स्टाइल कराना चाहिए, आज मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो इनके रियल बालों से ही सब कुछ होगा, इनके बालों में हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने इनके बालों में की थी क्रम्पिंग। क्रम्पिंग करने के बाद हमने इनके बालों में एयर टू एयर पार्टिंग कर ली, और पार्टिंग करके सेंटर पार्टिंग से टीका फिट कर दिया है, जो मैंने कई बार अपनी कई वीडियो में आप लोगों को दिखाया है कि किस तरीके से टीका फिट किया जाता है और किस तरीके से क्रम्पिंग होती है। उसके बाद हम लोग पफ के लिए बाल उठा रहे हैं, और पफ के लिए हम लोगों को पहले पीछे से ना हल्की सी बैक कॉम्बिंग करनी है, उसके बाद हेयर स्प्रे करना है, और इस तरीके से जब हम पफ बनाएंगे तो बहुत इजीली पफ बन जाता है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है। आपको कुछ भी इस पफ के अंदर फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरीके से करेंगे। पहले बैक कॉम्बिंग कर लीजिए, फिर उसके बाद स्प्रे कर लीजिए, और उसके बाद जो है देखिए इस तरीके से हल्की हल्की सी कॉम्ब की हेल्प से आप पफ को शेप दे सकते हैं। तो ये जो तरीका है ये बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत अच्छे से जो है हो जाता है, पफ जो है वो बन जाते हैं। और उसके बाद देखिए आप लोग देख सकते हैं इसको ये फिनिशिंग दे रही है। और ये जो हेयर स्प्रे इन्होंने यूज़ किया है वो है नोवा का हेयर स्प्रे। कई बार कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कौन सा हेयर स्प्रे यूज़ करते हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये नोवा का हेयर स्प्रे है। और इस तरीके से देखिए हम लोगों ने पफ बनाकर पीछे से पिन लगा दी, और अब जो ये पफ है दो पिन से बहुत अच्छे से होल्ड हो जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आ गए हम लोग सेंटर पार्टिंग, हम लोगों ने की एक साइड से, हम लोगों ने सेंटर पार्टिंग करने के बाद ना एक साइड को पार्टिंग कर रहे हैं देखिए हम लोग इस तरीके से, और सेंटर पार्टिंग करके हमने टीका फिट कर दिया था। इसी तरीके से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जो है वो हेयर स्टाइल करने चाहिए, कि क्योंकि ना फिर फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है हेयर स्टाइल में, और बनता भी बहुत जल्दी है, क्विकली बन जाता है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो देखिए आगे के बाल जो हमने एक साइड को किए थे उसमें से हमने दो पार्ट कर लिया है बालों का। एक पार्ट में हम लोग हल्का सा रोल करते हुए बालों में, देखिए इस तरीके से हल्का सा रोल करते हुए एक दूसरे के साथ जोड़ते चले जाएंगे, और जो बाल हमने आगे की साइड में छोड़े हैं उनका हम कुछ और बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने बालों को तीन पार्ट में बांटा था। तीन पार्ट मीन्स एक बाल, एक पार्ट में हम लोगों ने जो है वो पफ किया, एक बालों में एक जो जो पार्ट है उसमें हम लोगों ने देखिए इस तरीके से ये रोल रोल वाला कर दिया, और उसके बाद आगे के वाले बाल जो होंगे उसमें हम कुछ और करेंगे। तो इस तरीके से तीन पार्ट में हम लोग आगे से हेयर स्टाइल बना रहे हैं, और बहुत अच्छे से बन जाएगा, बहुत क्विकली बन जाएगा और बहुत फिनिशिंग के साथ बनेगा। तो देखिए आगे से हमने ये कर दिया। अब बचे हैं हमारे जो आगे के बाल, इनमें हम लोग ना फिंगर की हेल्प से स्प्रे करेंगे पहले तो बालों में, और ये हमने फ्लिक्स के लिए कान के पास के जो बाल होते हैं उनको फ्लिक्स के लिए छोड़ दिया। सबसे पहले हम लोग करेंगे हेयर स्प्रे। हेयर स्प्रे करने के बाद बालों में फिंगर की हेल्प से थोड़े से निशान बना लेंगे, मतलब ये करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिन लोगों को मैं इस तरीके का हेयर स्टाइल करके देती हूँ, और आपने पहले भी मेरे चैनल पर देखा होगा। तो देखिए फिंगर की हेल्प से ना हम लोग इस तरीके से हल्के हल्के से डिज़ाइन बना लेंगे, और उसके बाद में जो है इनको इस तरीके से देखिए सेपरेट करते चले जाएंगे, बहुत ईजीली हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। देखिए इस तरीके से ना, वीडियो को थोड़ा सा गौर से देखा कीजिए, क्योंकि सब कुछ बोल के बताना बड़ा मुश्किल होता है, आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो हमें पार्ट है ये हमें जो हमने ऊपर की साइड में रोल वाला किया है उसके नीचे से लेके जाना है। इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि पहले हमें पफ जो हमने बनाया और उसके बाद जब हमने ये रोल वाला बनाया तो वो पफ के नीचे से गया, और अब जो ये आगे वाला है ये जो हमने बीच में बना रखा है उसके नीचे से जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर हम लोगों को बिल्कुल भी लेकर नहीं जाना है। तो देखिए इस तरीके से ना फिंगर की हेल्प से हमने ये आगे लाइनिंग लाइनिंग टाइप की बना दी, और बहुत सुंदर लगती हैं ये भी। अब हम दूसरी साइड आए हैं, दूसरी साइड हम लोग चोटी बनाएंगे इस तरीके से। देखिए हम लोग ना एक हल्की बिल्कुल ढीली ढीली सी चोटी गुथेंगे, जो करना बहुत ही आसान होता है, आप लोग कभी करके देखिएगा, बहुत ईजी होता है इसको करना। और उसके बाद देखिए आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ढीली ढीली चोटी आप लेकर जाइए, और इसको हम पीछे पफ के साइड में लगा देंगे, और फिर करेंगे हम बैक का काम, जो हम लोगों ने बीच में रबड़ डाली हुई है पीछे बालों में, जितने बालों पे हमने क्रम्पिंग नहीं की थी उन बालों में हमने ना रबड़ डाली हुई है, उसको हम कट कर देंगे रबड़ को, और उसके बाद वो बाल पीछे के जो हैं वो खुल जाएंगे। इनका बाल बहुत ही हल्का था और हम लोगों ने फिर भी इतना हैवी हेयर स्टाइल इनके ऊपर बनाया। तो यही होता है अगर आप पार्लर रन करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स तो आप लोगों के सामने आएंगी,
कि पार्लर पे कभी बहुत ज़्यादा थिक बाल भी आएगा, कभी बहुत ज़्यादा थिन बाल भी आएगा, तो उसको हमें बहुत अच्छे से करना है। और जितना भी ये बाल सारी लेयर्स लाने के बाद जो बचा था उसमें हम लोगों ने देखिए रोल कर दिया है सारे बालों को पकड़ कर, क्योंकि जो जितना भी बाल अब ये क्रम्पिंग वाला बचा है पफ में से बचा होगा, साइड से जो हम लाए थे वो भी बच जाता है पीछे आके, तो उसमें सब में हम लोग जो है इस तरीके से रोल रोल कर देंगे बालों में। तो ये हमारा ऊपर की लेयर हो गई, इससे हमारी क्या है ना पिन भी एक्स्ट्रा जो दिख रही थी वो भी दिखनी बंद हो जाएंगी। और उसके बाद देखिए हम लोग जो है इस तरीके से कर्ल करेंगे बालों को, बहुत इजीली हो जाता है कर्ल, कर्ल करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। अगर आपके पास कर्ल मशीन बहुत अच्छी है तो आपके कर्ल बहुत अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से काफ़ी लंबे टाइम तक चलेंगे। तो ये जो कर्ल मशीन है ये टॉम कर्ल मशीन है और ये मेरी बहुत पुरानी है मशीन, और इसका लिंक मेरे पास नहीं है क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम लिंक दे दीजिए, बट नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान का लिंक बहुत मुश्किल से होता है मेरे पास, क्योंकि ज़्यादातर मैं मार्केट से परचेस करके लाती हूँ। और मैं आप लोगों से भी एडवाइस दूंगी आप लोगों को भी कि आप लोग ना मार्केट से परचेस करिए। अगर मेरे पास कोई मशीन ऐसी हुई जो मुझे पसंद आई और ऑनलाइन मैंने मंगाई होगी तो मैं बिल्कुल उसका लिंक आप लोगों को दूंगी, बट ये मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाई, ये मैंने मार्केट से परचेस की थी। तो देखिए देखते देखते आप लोग देख सकते हो सारे बालों को इनके हमने कर्ल कर दिया है और पीछे के बाल हम इसी तरीके से छोड़ देंगे। बहुत ही प्यारा इनका हेयर स्टाइल बना था, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में और आप लोगों को भी पसंद आया होगा। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग कस्टमर के बालों से ही हेयर स्टाइल बना सकते हैं, कुछ भी हमें उसमें फिल करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से हमारे पार्लर में और भी काम चल रहा है, जो और भी हेयर स्टाइल वगैरह हो रहे थे, तो मेकअप हेयर स्टाइल इस तरीके से पार्लर में चलता रहता है काम। मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहती हूँ और मुझे आप लोगों के साथ ना ये सब कुछ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती होंगी और आप लोगों को ये हेयर स्टाइल भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इस तरीके से ये हेयर स्टाइल जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट डन है। अब हम इसको हल्का सा डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट हम क्या करेंगे, ओनली फॉर हम पीछे की साइड में ना फ्लावर लगाएंगे, अच्छा लगता है वो लगाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और वो जो फ्लावर होते हैं वो मार्केट से आप लोग ले सकते हैं। इनका मेकअप अगर आपको देखना हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इनके मेकअप की वीडियो भी हम लोगों ने शूट की थी। तो देखिए इस तरीके से ना हम लोगों ने यहाँ पर फ्लावर लगा दिया और कितना प्यारा लग रहा है ये इतना सा ही डेकोरेट करने से। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, और जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम पे मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और इतनी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। आप लोग अगर पार्लर रन करते हैं अपना या पार्लर सीख रहे हैं अभी, तो आप लोगों को इन सब चीज़ों से बहुत हेल्प मिले और आपका पार्लर बहुत अच्छे से रन करे, क्योंकि ये छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो हमारा काम बहुत अच्छा होता है और हमारी जो पार्लर का भी नाम भी बहुत होता है। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी लगी।